अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो हमारी HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है और ये कितनी ड्यूरेशन के लिए है, स्कॉलरशिप की डेट्स कब अनाउंस होती हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है कि स्कॉलरशिप का मकसद क्या है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेस ना होने की वजह से अपनी हायर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अब हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं, जिन्होंने 4 साल या 5 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर किया है। याद रहे कि इवनिंग या जो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के अहल नहीं होते। और इस स्कॉलरशिप की ख़ास बात ये भी है कि आप चाहे चौथे सेमेस्टर में हैं, छठे सेमेस्टर में हैं, सातवें आठवें जिस सेमेस्टर में भी हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं लाइक एहसास स्कॉलरशिप है, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ही है जो फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, लेकिन HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो ऐसी कोई लिमिट नहीं रखता। आप जब जिस पीरियड में भी हैं डिग्री के, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि HEC नीट बेस्ड स्कॉलरशिप की कितनी सीट्स होती हैं। तो इसकी कोई मखसूस सीट्स नहीं है। एक स्कॉलरशिप की जो एक मखसूस अमाउंट होती है वो यूनिवर्सिटी को HEC की तरफ से दे दी जाती है। अब ये यूनिवर्सिटी की स्वाबदीद पे है कि वो कितनी सीट्स जो है वो स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस करती है, और ये स्कॉलरशिप आपको पूरी डिग्री के लिए ही मिलेगा अगर आपने डिग्री के स्टार्ट में अप्लाई कर दिया हुआ है। और इन केस ऑफ मेडिसिन फॉर्म डी या जो दूसरे 5 साल प्रोग्राम है तो ये 5 साल कंप्लीट 5 साल के लिए आपको मिलेगा, अगर 4 साल प्रोग्राम है तो 4 साल के लिए आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने तीसरे या चौथे सेमेस्टर में जाके अप्लाई किया हुआ है तो जो पिछले सेमेस्टर थे जो आपने मिस कर दिए उनकी अमाउंट जो है वो आपको नहीं मिलेगी। और याद रहे कि इसके लिए कोई जो है वो मखसूस डेट अनाउंस नहीं की जाती HEC की तरफ से, बल्कि यूनिवर्सिटी ने खुद इसकी डेट जो है वो अनाउंस करनी होती है। आमतौर पे जो फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल हो जाते हैं तो तब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसकी डेट जो है वो अनाउंस होती है। तो ये आपने बात जहन में रखनी है, HEC ने इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी। और अब हम देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस, यानी कि यूनिवर्सिटी ने ये किस तरह से डिसाइड करना है कि ये फलां स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप के अहल है या नहीं। तो इस काम के लिए जो डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी की जो इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी यानी कि ISAC है, उसने ये डिसाइड करना होता है। उसके लिए वो स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है जिन्होंने एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट करवाई होती हैं, और उनमें स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल और फैमिली बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए ही उनको स्टूडेंट्स को नॉमिनेट किया जाता है। और डिपार्टमेंट की तरफ से वो लिस्ट तैयार होने के बाद हायर एजुकेशन कमीशन की जो स्कॉलरशिप मैनेजमेंट कमेटी यानी कि SMC है उसको और साल की जाती है। अब SMC उस लिस्ट को जो है वो थॉरली रिव्यू करने के बाद स्टूडेंट्स को फाइनलाइज करती है, और स्टूडेंट्स को फाइनलाइज करने के बाद स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू HEC की तरफ से स्टूडेंट्स को दी जाती है। अब बात है कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स को यह स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये 94 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और उनके सब कैंपसेस हैं। तो उन सब का यहाँ पे नाम लेना जो है वो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो वो आप HEC की वेबसाइट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो के एंड में एक थोड़ा सा उनका जो है वो दिखा दूंगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब है कि फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है, कौन कौन सी सपोर्ट जो ये वो प्रोवाइड करता है। तो उसमें दो चीज़ें इंक्लूड हैं, एक आपकी ट्यूशन फ़ी और दूसरा आपका स्टिपेंड। अब ट्यूशन फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, लेकिन जो स्टिपेंड है वो सबके लिए मखसूस है।
वो है 6,000 पर मंथ, और ये आपको एक साल में 10 मंथ के हिसाब से मिलेगा। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि आपको 60,000 स्टिपेंड मिलेगा, और प्लस आपकी जो ट्यूशन फी है यूनिवर्सिटी की, हम मिसाल के तौर पर अगर किसी यूनिवर्सिटी की 40,000 ट्यूशन फी है, तो 40,000 ट्यूशन फी और प्लस 60,000 स्टिपेंड, तो उन स्टूडेंट को 1 लाख रुपया जो है वो ये एक साल का मिलेगा। और अब है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपको अपने डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी से ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लेना होगा, या फिर आप HEC की वेबसाइट से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस फॉर्म को फिल करने के बाद तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और डीड ऑफ एग्रीमेंट के साथ यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंशियल एड ऑफिस है, या फिर आपके अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही आपने उसे सबमिट करवाना होगा। याद रहे कि इसके लिए HEC को कोई कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही सबमिट करवाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और डीड ऑफ एग्रीमेंट, ये तीन चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो सबमिट करवानी होगी। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए फॉर्म किस तरह का है। मैंने फॉर्म जो है पहले डाउनलोड करके रखा था HEC की वेबसाइट से, तो एक नज़र से देख लेते हैं। ये स्कॉलरशिप के लिए जो है वो फॉर्म है, तो ये जब अनाउंसमेंट होगी तो आप इसे डाउनलोड वेबसाइट से भी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से भी हासिल कर सकते हैं। और ये HEC की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 94 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स को जो है ये स्कॉलरशिप मिलता है। होपफुली आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट और इस तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।